नमस्कार, स्वागत है आपका NN24 पर। आपके साथ मैं हूं कृति सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। एक गल्ला कपास कोई नहीं बनता है। हमारा घोषणा पत्र में था, हम लोग बोल नहीं रहे। सारे मुद्दा को समीक्षा जनता करती है, जनता से पूछते हैं तो बोर्च जनता पार्टी भी 15 लाख देंगे बोल के बोले थे, 15 पैसे दिएगा और 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोक मिला क्या? बोर्च जनता पार्टी ने 35 रुपये डीजल देंगे बोल के 100 के ऊपर कर दिया। गैस का रेट 400 रुपया था हमारे सरकार में 75 साल में 70 साल में 1200 रुपया हुआ। तो दारू बंद करना बोलने से हमारा मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर बोला दारू सामाजिक बुराई है, हम भी जानता है सामाजिक बुराई है, इसको होना चाहिए। विधानसभा के अंदर बोला राजनीति, कांग्रेस और बीजेपी आठ के सुने विधायक बीजेपी का भी आए, कांग्रेस के भाई, जोगी पार्टी के भाई और जितना बहुजन समाज पार्टी वाले मेंबर बनो, इसका देश में समीक्षा करो, गुजरात जाओ, बिहार जाओ, सामाजिक आर्थिक पत्रकार व्यापारी सब मिलो, सब मिल के बंद करना है। मैं आबकारी मंत्री होकर 5 साल होने जा रहा है, मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरे को एप्लीकेशन मिलता है दारू दुकान खोलो, बंद करना होगा, एक भी एप्लीकेशन नहीं आया। और हमारे वरिष्ठ विधायक नंद कुमार सत्यनारायण शर्मा को हम लोग बनाए, बीजेपी मेंबर क्यों नहीं दिए खाली मीडिया में बोलने के लिए? ये बीजेपी मुंह में है कि दारू बंद करना है चौकसा नुकसान होगा, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि 2 महीना दारू बंद कर दिया था सरकार ने कोरोना कारण 6 लोग रायपुर में मरे, 6 लोग बिलासपुर में मरे दूसरा दारू पी के। बिहार में दारू बंद है, बिहार में दारू बंद है, 400 लोग आदिवासी लोग अंदर है, गरीब लोग, जिस में रायपुर में प्रदेश छत्तीसगढ़ में दारू बंद होगा, बड़े लोग तो बिहार से भी लाएंगे, झारखंड से भी लाएंगे, अब गुजरात में जाके देखो घर पहुंच दारू मिल रहा है। तो यहाँ पर भी बड़े लोग ईपी से लाएंगे, आंध्रा से लाएंगे, कौन जेल जाएगा? गरीब आदमी पैसा नहीं पटाता है, तहसीलदार से बात नहीं करता है, प्रधानदार नहीं सुनता है। हमको ऐसा राजनीति नहीं चाहिए, गरीब को जेल भेजना और दूसरा दारू पी दवा पी के मरना ये पसंद नहीं है। हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।